श्रोताओं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है 91.2 NIVH हेलोदून में, और मैं हूँ दीपांकर। श्रोताओं, भारतवर्ष एक लोकतंत्र राष्ट्र है जिसकी आज आबादी लगभग 1 अरब 29 करोड़ है, और शायद इसीलिए भारतवर्ष को दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में ज्यादा युवा धन है। आज भारतवर्ष की जनसंख्या का 22% से भी ज्यादा भाग हमारी युवा है, और किसी भी देश की जनसंख्या की ताकत होती है उसका युवा वर्ग, जिसके कंधों पर आने वाले समय में समाज का उत्तरदायित्व होता है। और आज एक लंबे समय तक एक भयावह विश्वव्यापी पैंडेमिक से गुजरने के बाद हम हमारी युवा पीढ़ी के कोविड के संदर्भ में उनकी शंकाओं को, उनकी उम्मीदों को और उनकी आकांक्षाओं को समझने की कोशिश करते हुए प्रोग्रामिंग के एक नए विशेष सिलसिले के बारे में बात करेंगे। श्रोताओं, आज हम यंग वॉरियर मुहिम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो भारत के युवाओं की एक संयुक्त पहल है, जिसमें युवा, यूनिसेफ, शिक्षा मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आदि भी शामिल हैं। ये मुहिम आसान कार्यों की एक श्रृंखला में 10 से 30 वर्ष के बीच के 5 मिलियन यानी 50 लाख युवाओं को शामिल करने का प्रयास कर रही है, जिसमें सत्यापित स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देना, वैक्सीन पंजीकरण, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और मिथक पर्दाफाश आदि कार्यों के द्वारा युवा स्वयं को और अपने परिवार और समुदाय को इस महामारी से लड़ने के लिए सशक्त करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रत्येक युवा 10 और युवाओं को इस मुहिम में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे हम मिलकर 5 करोड़ परिवारों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। भारत कोविड-19 की विनाशकारी दूसरी लहर के संकट का सामना कर रहा है, लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी भारत के 300 मिलियन से अधिक युवा एक आशावादी कल का निर्माण करने के योग्य है। युवा बदलाव लाना चाहते हैं और प्रदर्शित करना चाहते हैं कि वे सही समर्थन के साथ नेतृत्व करने में सक्षम है, और युवा कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। मुहिम के एक हिस्से के रूप में युवा के साथ साझेदारी में सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन यानी CRA हमारे समुदाय के युवाओं को सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रमों, चयनात्मक संकीर्णता, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों पर युवाओं के लिए क्षमता निर्माण सत्र, टीकाकरण प्रचार आदि के माध्यम से सशक्त करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम 6 हफ्तों में 6 एपिसोड्स और 3 नैरोकास्ट सत्र आयोजित कर रहे हैं। और श्रोताओं, आज यूनिसेफ की यंग वॉरियर्स मुहिम के तहत हमने देहरादून स्थित NIPVD के सुरक्षा गार्ड्स और सफाई कर्मचारियों के साथ बात की, और कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में या कोविड वैक्सीनेशन के बारे में उनकी राय जानने की कोशिश की। NIPVD देहरादून के स्टाफ ने हमारे साथ उनके एक्सपीरियंसेस साझा किए, तो कोविड को लेकर उनके अनुभव किस प्रकार के रहे, आइए सुनते हैं। धर्मवीर सिंह असवाल जी, मैं अभी निब में सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जगह काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, कोविड पैंडेमिक के समय जो पिछले साल से चला आ रहा है अभी तक जी, आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया? यहाँ पे जितने भी कोविड पेशेंट हुए थे, तो हमारी सिक्योरिटी ने हर बंदे के साथ इस प्रकार सपोर्ट किया कि उनको डिस्पेंसरी से दवाइयाँ पहुँचाना, उनके घरों में राशन पहुँचाना, उन्हें बाहरी बाजार से क्या चीज़ें चाहिए वो सपोर्ट करना, उनको हॉस्पिटल ले जाना। इस प्रकार से जो आदमी अपने अपने घरों में थे, जैसे कि देवी प्रसाद जी, जिस प्रकार से सर देवी प्रसाद जी बीमार हुई थी, जो कि यहाँ पे संस्थान में परमानेंट स्टाफ में हैं। अच्छा, तो वो बीमार हो गए थे, वो घर से उठ के नहीं आ पा रहे थे, तो हमारी सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको घर तक राशन पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई। उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर मैडम ने उनको ऑक्सीजन लगाया, तो उसमें भी हमारे सब सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। फिर उनको उठा के जब मैक्स हॉस्पिटल में उनको ले गए, तो सिक्योरिटी गार्ड ने खुद उनको उठा के एम्बुलेंस में रखा, एम्बुलेंस से उनको मैक्स हॉस्पिटल में पहुंचाया। जी सर, ये तो बहुत नेक काम किया आपके सिक्योरिटी गार्ड्स ने, लेकिन यहाँ पर जब कोविड जैसे पीक पर था, जैसे कि हम सबको पता है कि कोविड जो संक्रमित इंसान होता है उसके आसपास रहने से फैलता है जी, तो आपके गार्ड्स ने ये सब काम करते समय खुद का ध्यान किस तरह से रखा? सर, मेन गेटों पे हमारे जो कोविड किट है उस किट को पहन के रखे, हर समय सैनिटाइजर किया, हाथों को साबुन से धोते रहे। कोई भी आया बाहरी संस्थान में जो लाभार्थी थे या जो विद्यार्थी थे, तो
तो उनको भी सैनिटाइजर हर समय, कोई भी आदमी ऐसा नहीं था कि जिसको सैनिटाइज नहीं करा रहे थे। जी अभी हम सबको पता है कि पिछले 1.5 साल से ये पैंडमिक चल रहा है और पता नहीं आने वाले कितने समय तक ये रहेगा हमारे समाज में, किसी को ठीक से नहीं पता। तो हमने अभी तक क्या सीख लिया इस पैंडमिक से, इस बीमारी से, और आपको क्या लगता है आने वाले समय में अगर कोविड को साथ लेके चलना है तो किस तरह के कदम हमें उठाने चाहिए? जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा सभी से कि अननेसेसरी अपने घर से ना निकला करें, जरूरी कामों की वजह से घर से निकला करें, जो सामाजिक कार्य में अधिक भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, क्राउडेड एरियाज में ना जाएं। जी जी अपने हाथों को हर समय सैनिटाइज करते रहें, हाथों को घर में, जब डर लगता है सर जब ऑफिस से घर में जाते हैं तो घर में जाते समय अपने हाथ पांव धो के जाएं, किसी भी चीज को सैनिटाइज के बगैर खाएं ना, और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। सर मेरा नाम इंदू है। अच्छा इंदू जी आप क्या काम करती हैं? सर मैं यहाँ पे NIVH में हाउसकीपिंग का काम करती हूँ। अच्छा हाउसकीपिंग का काम करती हैं। कोविड पैंडेमिक के समय आप घर पर थी कि संस्थान में काम कर रही थी? सर पूरे साल संस्थान में ही काम किया यहाँ पर। अच्छा तो आपको डर नहीं लगा कोविड के समय? सर डर तो लगता था पर नौकरी के साथ साथ सावधानियां भी बरती हैं। अच्छा किस प्रकार की सावधानियां बरती हैं आपने? सर यही सैनिटाइज करना, हैंड वॉश करना, और रोज नहाना जाके घर में, मास्क लगाना, और ज़्यादा भीड़ भड़ा के इस स्थान पे नहीं जाना, यही सब सावधानी बरती है सर। अपने आसपास आपने लोगों का किस तरह से बर्ताव देखा कोविड के प्रति? क्या लोग डरे हुए दिखे आपको, क्योंकि आप काम कर रही थी आपने कहा जी साल भर संस्थान में, ठीक है ना, तो क्या लोग आपसे दूरी बनाते थे, क्या आपको देखकर दूर जाते थे, किस तरह का आपने देखा लोगों में रवैया? नहीं सर दूर नहीं जाते थे पर हमें सोशल डिस्टेंसिंग में रहते थे सर। अच्छा और अपना घर में ही जाना, ड्यूटी से घर और घर से ड्यूटी। अच्छा उसके बीच में सर कोई रिश्तेदारी में नहीं गए, अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। अच्छा अच्छा जी तो आप प्रभावित हुई कोविड से या आपके परिवार में कोई कोविड से संक्रमित हुआ? हमारे परिवार में और हमारे घर में कोई नहीं हुआ, पर सर जब मैंने वैक्सीन लगवाई उसके दौरान थोड़ा तबीयत खराब हो गई सर, बस वैसे सब ठीक है, वैक्सीन के दौरान सब ठीक ही रहे। अच्छा, और हम भी ठीक ही हैं सर। अच्छा आपने वैक्सीन भी लगवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी सर। तो वैक्सीन लेने से पहले क्या आप डर रही थी कि कोई शंका था आपके मन में कि नहीं लगवाना है, लगवाना है कि नहीं लगवाना है, ऐसा कुछ था? सर जब मैंने पहली वैक्सीन लगवाई उसके दौरान मेरी तबीयत थोड़ा खराब हो गई, पर बाद में सब ठीक हो गया, और अब बोलती हूँ कि मैंने दूसरी भी लगवाई है और सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन। दूसरी वैक्सीन लगवाने के बाद कैसा फील कर रहे हैं? सर दूसरी वैक्सीन के बाद बहुत अच्छा लग रहा है अब, और सबको यही बोलेंगे कि सब वैक्सीन लगवाओ। मेरा नाम कमल गुरुंग है, मैं NIPVD में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा अच्छा भैया जब कोविड हुआ था तब कोविड के दौरान आप लोग यहाँ पे ड्यूटी पे थे? जी जी। तब आपको किस तरह की चुनौतियाँ फेस करनी पड़ी कोविड के दौरान? सर बहुत चुनौतियाँ आई हमें ना, बच्चों को जैसे देखना, उनके दवाई देना, खाना देना। अच्छा तो बच्चों की खास देखभाल करने की ज़रूरत होती है ऐसे सिचुएशन में, तो बहुत ही रिस्की सिचुएशन था उस समय क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा था, तो अपने बच्चों का देखभाल किस तरह से किया? सर बच्चों से सर वो ये सर डिस्टेंट बना के रखना सर, बच्चों दूरी बना, साफ सुथरा रखना सर, बच्चों समझाना उनको प्यार से, दूरी बनाए रखना, खाना का ध्यान रखना। अच्छा खाना पीना साफ सफाई। तो उनके लिए खाना या दवाइयाँ भी लेकर आप देते थे उन्हें? जी सर पूरा सर खाना 3 टाइम दवाई सब कुछ सर, जो भी उनके लिए होता था सर, पानी पूनी खाना खुना सब कुछ सर। तो आप लोग तो बहुत एक अहम ड्यूटी निभा रहे थे, तो ऐसे में खुद की सुरक्षा का ध्यान आप लोगों ने कैसे रखा क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा था उस समय? जी सर वो तो है सर, आप सुरक्षा रखना पड़ता है सर अपने लिए। जी कैसे सुरक्षा का ध्यान रखा आपने? सर दूरी बना के सर सैनिटाइज करके दवाई लेके सैनिटाइज करके सर। जी तो ये अभी जो कोविड को हमने पिछले 1.5 साल से देखा है उससे आपने क्या समझा, क्या सीख लिया, और आगे आपको लगता है कि किस तरह से आप सावधानी बरतेंगे? सर सावधानी तो बरतनी पड़ेगी सर। कैसे बरतेंगे सावधानी? सर वही सर दूरियां बना के सर, मास्क पहन के अपना जी साफ सुथरा सर, खाना खुना के सर खाना देखना जी, खाना खुना खाना ढंग का अच्छा ताज़ा खाना खाना जी, फ्रेश खाना खाना जी सर, अपनी सेहत का ध्यान रखना सर। अच्छा आपने इस समय क्योंकि यहाँ पे संस्था के अंदर VI बच्चे यानी विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं यहाँ पे, तो आपने उनकी भी मदद की कोविड के समय, तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि बच्चों का क्या रोल रहेगा, बच्चों के लिए कोविड के संदर्भ में वो लोग क्या काम उनको करना चाहिए आने वाले समय में? सर आने वाले समय सर कोविड के लिए सर उनके लिए अब
मास्क पहनना पड़ेगा सर, जो निर्देश दिए गए सरकार की तरफ से सर, पूरा सर उनका ध्यान रखना पड़ेगा सर, पूरा करना पड़ेगा सर, उनको पालन करना पड़ेगा सर। जी, बच्चों को भी सेफ्टी मेजर्स का पालन करना पड़ेगा सर। और उनको आगे जाके आपको लगता है कि उनका एक ड्यूटी बनता है कि वो आगे जाके लोगों को जागरूक भी करें? सर करेंगे सर, जरूर हम उनको करेंगे, वो आगे करेंगे सर। जी सर, मेरा नाम कुसुमलता है, मैं यहाँ NIBS में काम करती हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ। अच्छा, निवेद देहरादून में सफाई कर्मचारी जी सर। कोविड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या अनुभव रहे हैं कोविड के समय? जी सर, हमारे अनुभव ठीक रहे हैं, घर परिवार में सब सुरक्षित रहे। अच्छा, और रिश्तेदारों में सब में ठीक रहे सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या आप इस पैंडेमिक के समय घर पर ही थी या संस्था में काम कर रही? नहीं सर, संस्था में काम किया, पूरे साल काम कर रही थी जी। तो किस तरह से आपने खुद की सुरक्षा बनाई रखी? सर हमने दूरी बनाए रखी और हाथों को बार बार सैनिटाइजर से धुलते रहे, मास्क लगा के रखा सर, बस। अच्छा, क्या आपने वैक्सीनेशन लिया है? जी सर, एक लिए। एक लगवा लिया जी? क्या आपके परिवार के लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया? लगवा लिया है। वैक्सीनेशन लगवाने से पहले क्या वैक्सीनेशन को लेकर आपके मन में कोई डर था? नहीं सर, हमें तो अच्छा लगा और अच्छा। हम इंतजार कर रहे थे कि अब हमारे वैक्सीन लगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप समाज में लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आपने खुद वैक्सीनेशन लगवा दिया है और आपके अनुभव भी काफी पॉजिटिव अच्छे रहे? सर ये मैसेज देंगे कि हम सुरक्षित रहे, ठीक रहे, आप भी लगवाओ। हर किसी को लगवाना चाहिए जी, हर किसी को लगवाना चाहिए। सर मेरा नाम प्रीति है। तो दीदी आप क्या काम करते हो? सर मैं हाउसकीपिंग का काम करती हूँ। हाउसकीपिंग का काम करती हूँ। कोविड जब पिछले साल शुरू हुआ था तब आप क्या काम में थी कि आप गांव चली गई थी? नहीं सर, यहाँ पर ड्यूटी थी, हमने रात और दिन की ड्यूटी दी। अच्छा, दोनों टाइम आप ड्यूटी करती रही? जी, रात और दिन हम यहीं रहे, यहीं पे रहे जी, घर नहीं गए। घर नहीं गए जी। तो आपने ड्यूटी करते समय किन चुनौतियों का सामना किया, क्या देखा आपने? यहाँ तो सब कुछ ठीक देखा सर, हमने अपनी सेफ्टी की। अच्छा, कैसे? जी सर, वो भी पहना, किट भी पहनी, ये ग्लव्स भी पहने सर, मास्क भी लगाया, डबल मास्क लगाया सर, टोपी भी पहनी, पूरी सेफ्टी से काम किया सर। ओके, अच्छा। तो आपको पता है इस साल से टीकाकरण अभियान चल रहा है पूरे देश में? जी सर। कोविड को लेकर टीकाकरण अभियान चल रहा है इस देश में जी। तो क्या आपने टीका लगवा लिया है? जी सर। कितने लगवाए? दो लगवाए सर। अच्छा, तो क्या टीका लगवाने से पहले आप डर रही थी? नहीं सर। आप चाहती थी टीका लगवाना जी? ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सबसे पहले NIBS में मैंने ही लगवाया। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको अनुभव कैसा रहा टीका लगाने के बाद? ठीक ही रहा सर, ना ही मुझे नहीं कुछ नहीं कुछ सर, नहीं कुछ नहीं सर। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो लोग डरते हैं वो डरे नहीं, सभी टीका कर। जी, मेरा नाम राकेश भंडारी है और NIPED में एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करता हूँ सर। राकेश जी, बहुत समय हो गया कि कोविड पैंडेमिक चल रहा है जी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप इस संस्थान के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, तो कोविड के समय आपने किन चुनौतियों का सामना किया? कोविड के समय सर हमारी ड्यूटी रहती थी मेन गेट पे। हाँ जी। और हमारा काम था सर, जो कर्मचारी आ रहे हैं उनका टेम्परेचर लेना, जिनके टेम्परेचर में हमें शक होता था हम उन्हें होल्ड कर लेते थे अपने पास ही। ठीक। और जो अफेक्टेड लोग हैं, जैसे हमारी स्टाफ के कई हो जाते हैं, उनको खाना पहुंचाना, मेडिसिन्स पहुंचाना। तो उनके लिए जब खाना पहुंचा रहे थे आप, मदद कर रहे थे उनकी, तो खुद भी तो काफ़ी रिस्क में थे कि उनको भी इन्फेक्शन हो सकता था। जी हाँ। तो उस समय आपने खुद का ध्यान किस तरह से रखा? साहब मास्क तो मस्ट है, सेकंड थिंग कि सैनिटाइजर, आप कहीं से भी आ रहे हो सैनिटाइजर तो साथ में रहना जरूरी। जी जी जी। अच्छा, तो करीब 1.5 साल हो गया है कोविड पैंडेमिक को चलते, है ना? और तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में हमें इस वायरस के साथ जीने के लिए या वायरस से सुरक्षित रहने के लिए किन कदमों का सहारा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? पहला स्टेप तो सर जो गवर्नमेंट चला रही है वैक्सीनेशन। अच्छा, ये तो मस्ट है सर। अच्छा, प्लस उसके बाद आपको अपने पर्सनली तौर पर भी आपको मास्क वगैरह लेना, सैनिटाइजर हो जी, गया जी, ये तो पर्सनल तौर पे रखना चाहिए। सामाजिक दूरी का ध्यान रखना चाहिए। क्या आपके परिवार में कोई प्रभावित हुआ है कोविड से? नहीं। अच्छा, आपने वैक्सीनेशन लगवाया है? जी हाँ। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वैक्सीन लगाने के बाद? ठीक है सर, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। शीला देवी। शीला जी, कोविड के दौरान आपके अनुभव किस प्रकार के रहे हैं? बिल्कुल सही। अच्छा, आपको डर नहीं लगा? नहीं जी। अच्छा, बिल्कुल। आप काम करते रहे कि घर में ही थे? नहीं, काम करते रहे। अच्छा जी। और क्या आप प्रभावित हुई कोविड से? आपके घर में कोई इस बीमारी से प्रभावित हुआ? नहीं सर। अच्छा,
तो इस बीमारी से बचाव के लिए आपने क्या कदम उठाए? यही कलोरी का जूस पीते रहे बस। अच्छा जी। अच्छा, और साफ सफाई का ध्यान रखा? सफाई सफाई का ध्यान रखा, अपना ध्यान रखा, बच्चों का ध्यान रखा। अच्छा, क्या आपने सुई लगवाई? हाँ जी। कितने लगा लिए? दो लगा लिए। दो लगा लिए। और आपके परिवार के लोग? एक बेटी का लगी, अभी बच्चे रह गए। अच्छा, तो वैक्सीनेशन या टीका को लेकर कोई डर शुरुआत में था कि वैक्सीन नहीं लेना था? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अब बिल्कुल नहीं डरे? बिल्कुल नहीं डरे, ठीक रहे। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो वैक्सीन से डर रहे हैं या वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे हैं? उनको यही सलाह देंगे, आप लगाइए और सुरक्षित रहिए। अच्छा, इस बीमारी से बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जी, मेरा नाम विजय कुमार है, मैं NIPPD में सिक्योरिटी में कार्य करता हूँ। जी, तो भैया आपने कोविड के समय किन चुनौतियों का सामना किया? कोविड-19 में हमने जैसे कोविड केसेस हमारे संस्थान में थे तो उनके लिए हमने दवाइयों का और उनको खाना पहुंचाने का काम किया। जी जी जी। यहाँ पे तो काफ़ी दृष्टिबाधित बच्चे रहते हैं कैंपस के अंदर या दृष्टिबाधित स्टाफ भी रहते हैं यहाँ पे, तो उनकी मदद भी आपने की है? जी सर, उनकी मदद की हमने। अच्छा अच्छा, उनकी मदद करते समय खुद के लिए किस तरह के सुरक्षा कदमों का ध्यान रखा आपने? सर, खुद के लिए हमने पहले सैनिटाइजर और ग्लव्स है ना, तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसमें बहुत जरूरी था ना, तो उसका पालन किया हमने। जो भी सरकार के दिशा निर्देश थे जो भी, तो उनका भी पालन किया। जी जी। और जो हमारे दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं या जो स्टाफ है, तो उनसे अच्छी तरह हमने वो अच्छा देखभाल किया उनका। हाँ जी सर। जी, आपको क्या लगता है, इतना वक्त हो गया कोविड का है ना, करीब 1.5 साल हो गया, आने वाले समय में हमें इसे बचे रहने के लिए किन कदमों का सहारा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? सर, आने वाले समय में हमने इसमें ये सीखा कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए ग्लव्स और मास्क बहुत ज़रूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से सरकार ने भी जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका अच्छी तरह से पालन करेंगे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और दूसरा, वैक्सीनेशन की बात आती है तो सर, इसमें क्या है कि वैक्सीनेशन ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे सुरक्षा मिल सकती है। बिल्कुल सर। जी जी सर, वैक्सीनेशन ठीक है वैसे सर, लेना चाहिए वैसे। जी जी। अब मैंने भी 2 डोज लगा लिए अपने। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। जी जी, तो अच्छा है, सेफ रहेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम मनमोहन सिंह रावत है जी, और मैं देहरादून से हूँ। तो सर, कोविड के बारे में आपके खुद के अनुभव कैसे रहे? सर, ये कोविड तो मुझे खुद हो गया था। अच्छा। और उसके बाद मेरी मिसेज को हो गया था। अच्छा। तो सर, आपको खुद कोविड हो गया था, आपके मिसेस को भी हुआ है, तो आप कोविड के रोकथाम के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? क्या आपने वैक्सीन लगवाया है? हाँ सर, मैंने वैक्सीन लगवाया है जी, और समाज को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो सभी लोग वैक्सीन को जरूर लगाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका अनुभव कैसा रहा वैक्सीन लगाने के बाद, कोई दिक्कत हुई आपको? मुझे वैक्सीन आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बिल्कुल मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छा। और अपने को ये महसूस कर रहा हूँ कि हाँ, मैंने दोनों वैक्सीन लगा दी। तो जब वैक्सीन की बात आई, तो क्या वैक्सीन लगाने से पहले आपके मन में कोई शंका, कोई डर था कि आप बिल्कुल प्रिपेयर थे कि मुझे तो लगाना है आगे जाके? नहीं, मेरे को वैक्सीन लगाने से पहले कोई शंका, कोई डर नहीं थी जी। बस दिल में यह था कि एक बार हमें वैक्सीन लग जाए तो हम इससे काफी सेफ रहेंगे। सेफ रहेंगे, सेफ महसूस कर रहे हैं अभी? अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। सर, आने वाले समय में आप हमारी युवा पीढ़ी को कोविड के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे, और या अगर यूं पूछूं आपको कि आने वाले समय में कोविड के प्रति हमारी युवा पीढ़ी के क्या रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या क्या दायित्व रहेंगे उनके? मैं युवा पीढ़ी से अनुरोध करना चाहता हूं कि खुद भी वैक्सीन लगवाएं और अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में सभी को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करें, और आने वाले समय में आप जो है किसी के साथ भी इस चीज़ की मदद कर सकते हैं कि अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप उनको खुद लेके जा सकते हैं वैक्सीन जहाँ पे लग रही वहाँ तक। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे यूनिसेफ और CRA यानी कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से बना यंग वॉरियर्स मुहिम पर एक विशेष कार्यक्रम। अगर आप भी यंग वॉरियर बनना चाहते हैं तो आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं।
इस अभियान से जुड़ने के लिए आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो श्रोताओं, यंग वॉरियर्स बनने के लिए आप व्हाट्सएप पर जाएं और YWA टाइप करें और इसे 9650414141 पर भेज दें और आपको रजिस्टर करने और कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी तरह आप टेलीग्राम एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं और यू रिपोर्ट इंडिया टाइप करें, अंग्रेजी अक्षर यू रिपोर्ट इंडिया एक साथ टाइप करें, सर्च करें, उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करें और पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं और यू रिपोर्ट इंडिया के लिए खोजें, सेंड मैसेज पर क्लिक करें, YWA टाइप करें और सेंड कर दें। जिन लोगों के फोन्स पर व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप 08066019225 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। श्रोताओं, इसके साथ साथ आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मैं एक #youngwarrior हूँ पोस्ट कर सकते हैं और अपने 5 दोस्तों को टैग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपने होस्ट और रेडियो दोस्त दीपांकर को इजाजत। तो हमारी अगली मुलाकात तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून।